अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं कंपेयर करूँगी दो प्रोडक्ट्स को, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, दोनों पाकिस्तानी ब्रांड है, दोनों ऑर्गेनिक, मीन्स के सिलिकॉन फ्री, पैराबिन फ्री और क्रुएल्टी फ्री है, ठीक है। नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल, बिल्कुल सेफ है, उसमें किसी किस्म का हार्श केमिकल नहीं है। तो अभी जो दो प्रोडक्ट को मैं कंपेयर करूँगी, एक है स्किन डिप का सुपर नेचुरल पीलिंग सॉल्यूशन AHA BHA, सेकंड जो है प्रोडक्ट वो है ब्यूटेनिक का पीलिंग सॉल्यूशन AHA BHA। दोनों को कंपेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों को किस में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेटली जो मैं काफ़ी टाइम से, तकरीबन 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, स्किन डीप का सुपर नेचुरल आई पील गुड AHA BHA पीलिंग सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर मैं इसकी पैकिंग की बात करूँ तो ये आपको ग्लास पैकिंग में मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा ख़त्म और हो गया, बस ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है ना नीचे लगा हुआ है, ये मैंने कल फिर यूज़ किया, ठीक है। सबसे पहले ये ग्लास पैकिंग में आपको मिलेगा। सेकेंड नंबर पर इसका जो पम्प है, सॉरी ड्रॉपर नहीं है, इसका पंप है। अच्छा, अगर मैं इसके पंप की बात करूँ ना, मुझे इसके पंप में ये मसला हो गया था पहली दफ़ा यूज़ करने में, कि जब मैं इसको निकालने लगी थी ना, तो इसका जो सॉल्यूशन था ना, लिक्विड था, फार्मूला, वो इसके पंप में फंस गया था। उसकी रीज़न ये थी कि इसमें पार्टिकल्स हैं वाइट, जिसकी वजह से वो इसके पंप में फंस गया था और ये निकलता नहीं था, स्टिल अभी तक नहीं निकलता। तो मैं इसको इस तरह ओपन करके फिर हाथ में ऐसे लेके इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसमें AHA की क्या जो है ना परसेंटेज है और BHA की क्या परसेंटेज है। यहाँ पे इन्होंने जो AHA की परसेंटेज मेंशन की हुई है वो है 25% और जो BHA ना वो 2% है। अगर मैं AHA की बात करूँ, 25% काफ़ी हाई जो है ना परसेंटेज होती है। ये स्पेशली उस टाइम यूज़ की जाती है जब आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस हो और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन, और इसके अलावा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टेक्सचर वाली हो, स्किन पे बहुत ज़्यादा बम्प्स बने हुए हो, तो ये उस सूरत में यूज़ की जाती है। सेकेंड नंबर पे इसके अगर मैं pH लेवल की बात करूँ तो इसका जो pH लेवल है वो है 3.6, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, मैंने इसको जब यूज़ किया ना, मेरी स्किन बहुत स्मूथ हुई है, फाइन लाइंस जो होती है यहाँ पे हमारे एज के साथ साथ पड़ रही होती है वो काफ़ी स्मूथ हुई है। इसके अलावा स्किन का जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाता है, आपका जो कलर है वो इन्हेंस हो जाता है, आपकी स्किन पे जो डिहाइड्रेशन है ना वो रिमूव हो जाती है, डलनेस रिमूव हो जाती है। सबको पता है कि पीलिंग सॉल्यूशन हमारी स्किन पे क्या काम करता है, केमिकल जो सॉल्यूशन होते हैं ना, ये हमारी स्किन पे स्पेशली हमारी स्किन पे से डेड लेयर्स को रिमूव करते हैं। शॉर्ट में इंट्रो दे जाती हूँ क्योंकि पहले भी कई बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि AHA BHA हमारी स्किन पर क्या काम करते हैं। हमारी स्किन पर से डेड सेल को रिमूव करते हैं, जो एजिंग लाइन्स होती हैं उनको रिमूव करते हैं, बम्पी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एक्ने वाली स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। जो केमिकल फिज़िकल से बेहतर मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ कि 25% जो इसमें AHA ना वो हर एक की स्किन को सूट नहीं करता। किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किसी की स्किन, अब जैसे मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली, ये मुझे 2 साल हो गया यूज़ करते हुए, तो मेरी स्किन को ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। हाँ, इसका मुझे एक ये है कि मैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ ना, मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा, सिंपल लफ्ज़ों में ये कहूँगी, जो सुइयाँ सी हैं ना मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा चुभती है, और बहुत ज़्यादा कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। शुरू में मुझे ये चीज़ हुई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे से मैं यूज़ करती गई तो मेरी स्किन इस चीज़ की यूज़ टू होती गई, ठीक है। तो लेकिन ये मैं हर एक को रेकमेंड नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है कि अगर ये मेरी स्किन को सूट कर गया तो ये आपको भी सूट कर जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि 25% AHA काफ़ी हाई जो है ना परसेंटेज है, लेकिन अच्छा है। एंड में मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। पाकिस्तानी ब्रांड है, जैसे शुरू में मैंने बता दिया दोनों पाकिस्तानी ब्रांड है। अब बात कर लेते हैं
अच्छा, इसके ML की बात करूँ तो ये आपको 30 ml मिलेगा। प्राइस की बात करूँ तो ये भी आपको 1500 की रेंज में मिल जाएगा। 1500 तक मैंने इसलिए कहा है, इनकी प्रोडक्ट 1300-1400 इस लाइन में होती है, इस रेंज में होती है। 1500 तक मैंने इसलिए कहा है कि आपको पता है डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है, तो फिर प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ती कम होती रहती है। सेकंड जो है मेरे पास है वो है ब्यूटेनिक का। सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो इसकी भी ग्लास पैकिंग है। ड्रॉपर की बात करूँ तो ये आपको इस तरह के ड्रॉपर में मिलेगा। फार्मूले के सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसको मैंने जब आप लोगों के साथ शेयर किया था तो इसको मैंने ऑर्डिनरी से कंपेयर किया था कि ये ऑर्डिनरी के टक्कर का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके, इसमें जो AHA की परसेंटेज है वो है 10% और जिसमें BHA वो है 2%, और इसका जो pH लेवल है वो है, इसका pH लेवल 3.5% है। अच्छा, बहुत AHA 10%, ठीक है, उसमें 25% था लेकिन इसमें 10% है। 10% नॉर्मली हर स्किन पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इतना परसेंटेज आपकी स्किन पे यूज़ किया जाएगा तब जाके आपकी स्किन पे जो ब्लैक हीट्स, वाइट हीट्स, बम्पी टेक्सचर जो होता है, आपकी जो स्किन टोन होती है वो इवन होती है, पिगमेंटेशन वगैरह रिमूव होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसको यूज़ करने से, जब मैंने इसको यूज़ किया था, इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन पे लाइट सी सुइयां सी चुभी थी, टिंगलिंग सी हुई थी, कोई इतना ज़्यादा नहीं। जबकि इसको मैं अब मैंने इसको कल ही फ्रेश यूज़ किया तो अभी भी मेरी स्किन पे जो है ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा मेरी स्किन में सुइयां सी चुभ रही थी, ये इतना हाई परसेंटेज में है, और ये नॉर्मली 10% में, ठीक है। तो दोनों बेस्ट है। अच्छा, प्राइस के हिसाब से भी, क्वालिटी के हिसाब से भी, जस्ट इनमें जो AHA का परसेंटेज है ना, इसमें 25% है और इसमें 10% है। अब मैं दोनों में से आपको रेकमेंड कौन सा करूँगी, ये वाला ब्यूटेनिक का। ये मैं इसलिए नहीं रेकमेंड करूँगी ज़्यादा क्योंकि इसमें 25% AHA की। हाँ, अगर आपकी स्किन इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है, इतनी हाई जो है परसेंटेज को बर्दाश्त कर सकती है, तो आप ये बाय कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी स्किन को इतना ज़्यादा हाई उसकी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप ये बाय कर लो, लेकिन मैं इन दोनों में से जो रेकमेंड करूँगी वो आपको ब्यूटेनिक का करूँगी। सेकंड नंबर पे इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ, ये भी आपको 1200 से लेके 1500 की रेंज में मिलेगा। इनकी जो ब्यूटेनिक की प्रोडक्ट्स है ना, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, कम प्राइस में आपको ये इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है। लीजिएगा, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।